अगला मिर्चुआ में भाई शहीद चंद्रपाल सिंह जी की पुण्य स्मृति में आपके बीच में हो रहा है। इसके गायक है चौधरी अमर सिंह, गांव नीतिलवास तसिंगा सादाबाद हाथरस से। ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भाई धर्मवीर चाहर जी जेंगारा किरावली आगरा से, और पैर की आप झनकार सुन रहे हैं भाई वीरेंद्र जी देशवादी रोनी जा से, और झीका की झनकार सुन रहे हैं पंडित घनश्याम जी रूपा से। और आपके बीच में जो सीधा यूट्यूब पर प्रसारण यानी लाइव वीडियो दिखाई जा रही है वही पंडित रोहितदास डीजे साउंड सर्विस जनुथर से। आइए एक और धमाका आपके बीच में आ रहा है, सुनिएगा। आइए आपके बीच में झिकड़ी प्रतियोगिता का दूसरा दौर जारी है। कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति देते हुए जा रहे हैं, एक से एक बढ़कर के आपके बीच में कलाकार हैं। मैं तो यही कहूंगा, मैं तो उनके चरणों की जो रज होती है उसके बराबर भी नहीं, लेकिन जो भी गुरु लोगों की कृपा से मैंने पाया है आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा, गौर दीजिएगा। कवि ने कलम को उठाया, चार लाइनों में लिख दिया, भैया जी क्या लिख दिया बता दिया है। कि बेदना हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया तो कंठ विस्पान बन गया होता। और कहा है कि वासना प्रेम में न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। आइए प्रथम दौर में आपने साखी सुनी झिकड़ी की, अब एक छोटी सी भवानी चार लाइनों की, गौर दीजिएगा। एक बार भगवान श्री राम और मां जानकी दोनों बैठे हुए थे, उनके सामने हनुमान जी बैठे हैं। आहा बंधुओं, माँ जानकी ने अपनी मड़ियों की माला उतार के हनुमान जी के हाथ में दे दी। आज जैसे ही माला आई, हनुमान जी ने कुछ देर उसको घुमाया, देखा और देखने के बाद में तोड़ना शुरू कर दिया। आहा बंधुओं, माँ जानकी की नजर गई हनुमान जी को, देखा, देखते ही कहा, ए हनुमान ये क्या कर रहे हो, इतनी कीमती माला, इतनी महंगी माला, और आप इसे तोड़ रहे हो क्यों? हनुमान जी जवाब देते हैं, माँ सुनिए मैं इसे क्यों तोड़ रहा हूं, क्या कहा भैया, क्या जवाब दिया? कहा मां ना चाहिए हीरा मोती, अरे ना चाहिए हीरा मोती, सुनो जानकी माँ, क्यों 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 कहा है, राम है मेरी आत्मा, राम है दिल के चैन, राम नहीं जिन में बसे
सुने बोने ना चाहिए हीरा मोती सुनो जानकी माँ और मड़ियों की माला मेरे हे माँ की मड़ियों की माला मेरे और मकाम की नहीं है इसमें तो सूरत सीता राम की नहीं है इसमें तो सूरत सीता राम की नहीं है अगर देना चाहती हो तो मैं तो केवल एक ही चीज चाहता हूं और वो क्या है सुनिए क्या कहा चाहती हूँ देना मुझको इतनी तो साकी चाहती हूँ देना मुझको इतनी तो साकी हर पल में करता रहूं हर पल में करता रहूं सिया राम भक्ति हर पल में करता रहूं सिया राम भक्ति क्यों क्योंकि हनुमान जी एक राज छिपाए बैठे हैं पर आप उस राज को बताना चाहते हैं क्या सुनिए कि सिया राम बसे मेरे रग रग में सुन लो जानकी सिया राम बसे मेरे रग रग में सुन लो जानकी क्या श्री राम मेरे आधार जान में चाहर साहब कहते हैं हनुमान जी मां श्री राम मेरे आधार जान में बसी है जान की सिया राम बसे है मेरे तन मन में सुन लो जान की सिया राम बसे है मेरे रग रग में सुन लो जान की और मां आप कहती हूँ ये माला कीमती है और ये 51 रुपए का पुरस्कार लोकेंद्र भटावरी निवास देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद कहा मां हेरे धूल के समान है ये हो धूल के समान है इन मड़ियों की कीमत धूल के समान है इन मड़ियों की कीमत भक्ति में होती पूजा भक्ति में होती पूजा जाम की नहीं है जब महाराज धृतराष्ट्र को ताने दिए कहा आपके कारण ये युद्ध हुआ है आपके कारण ही इतने योद्धा मारे गए हैं आहा बंधु जब भीमसेन के ऐसे वचनों को सुना महाराज धृतराष्ट्र ने वन की तरफ प्रस्थान कर गए वन में पहुंच गए जाकर के तपस्या करने लगे खाना पीना सब त्याग दिया लेकिन एक वर्ष के बाद में आहा कर तैयारी धर्मराज ने कर तैयारी धर्मराज ने कोई अपने जन बुलवाए हैं अरे निज कुनबा के है तो मिलन को विकट बनी में आए हैं पांचों भ्रात वीर अलबेले जो कि पांचों ही चले अगारी और पीछे चल रही है द्रोपदी आहा पांचों भाई जा रहे हैं पीछे पीछे द्रोपदी चल रही है कहां पहुंचे जाकर के वन में आहा वन में क्या होता है भैया जी क्या लिख दिया चितलाए सब ही सारे दारी
अंध भूप के क्या के कोई अंध भूप के रे संग खुशी भई मन में मागा धारी अमरी पीएलसी अमरी पीएलसी अमरी पीएलसी लिपट गई रे जब आ गई कुंती मैया अमरी पीएलसी लिपट गई जब आ गई कुंती मैया बताया है धृतराष्ट्र के संग में खुद गांधारी धृतराष्ट्र के संग में खुद गांधारी भारी खुशी मना रही है और जो पूछो कुंती के दिल ते तो फूली ना है समा रही है लेकिन होता क्या है दरवाजे पर आए विदुर जो चिंता में लग रहे गाढ़ है पांचो भैया देखे आहा सबकी नजर बिदुर जी पर गई देखा बड़े चिंतित हैं कारण क्या है बंधुओं दरवाजे से आकर के जैसे ही बिदुर जी ने अंदर झांका सबका मिलन हो रहा है लेकिन उस मिलन समारोह को देख करके आज बिदुर जी वापस हो जाते हैं किस तरीके से सुनिए जैसे ही बिदुर जी ने देखा आहा बंधुओं हे रे जब नजर बिदुर ने डारी और जाए भीड़ दिखी है बड़ी भारी और जाए भीड़ दिखी है बड़ी हो बिदुर जी एकदम से खड़े होकर के जब देखा तो वापस होने लगे हेरे नायिका का भीतर आए और जित उलट पामन धाय और जितना उल्टे पामन और जितना उल्टे पामन आहा बंधु बिदुर जी दरवाजे से वापस हो गए आज जैसे ही
और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे जो शहीद हैं श्री चंद्रपाल सिंह जी, इनकी माताजी प्रदान कर रही हैं। हम उनके चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद की कामना करते हैं। बंधुआ, आज विदुर जी जाते हुए पांडवों को जैसे ही नजर आए, आहा, उनके पीछे पीछे धर्मराज युधिष्ठिर जी जा रहे हैं। पीछे पीछे भगे युधिष्ठिर, विदुर ने पकड़ डगर एक लीनी है, रुक जाओ काका, धर्मराज ने आवाज जोर की दीनी है। काका विदुर दुखी जब देखे धर्म को उमग्यो हिया, पर ना ध्यान विदुर ने, आहा, धर्मराज की बात को अनसुनी कर दिया। विदुर जी तो दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, पीछे पीछे धर्मराज जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, सुनिएगा। अरे देखे हाथ विदुर को जाने रुकी देखो करो सारो जैसे ही प्राणांत हुआ, आहा बंधु, वहां पर व्यास जी आ जाते हैं। कहा है कि वाई वक्त पे आश्रम में, वाई वक्त पे आश्रम में कोई व्यास जी आए पधारे हैं, कर कर याद विदुर की सबके नैन बहे अब धारे हैं। रो रो करके वेद व्यास थे, रो रो करके वेद व्यास थे, कहे धर्मियों बानी बाबा हमने नहे ऐसी, बाबा हमें ऐसा पता नहीं था जो कि काका विदुर हमें छोड़ करके चले जाएंगे। आहा, सभी रोते हैं, आंखों से आंसू झर रहे हैं। आज रो रो करके धर्मराज सारी स्थिति बता रहे हैं व्यास जी को, किस तरीके से भैया। Bye.
बढ़ो का के पीछे लेकिन काका से भागी रायो अखिया भीचे काका से भागी रायो अखिया भीचे लेकिन कहा अरे धार जानी धार जाने धार जाने काका ने कमाना राखी धार अब तो धर्मराज कहते हैं बाबा सुनिए हेरे कहा कहा भी दूरा छोड़ी गए हमको हेरे सबरी सो बात बता रे बाबा तुमको सबरी सो बात बताई रहे तुमको और ये 51 रुपए का पुरस्कार श्री साहब सिंह जी देते हैं और 101 रुपए का पुरस्कार श्री प्रेम सिंह हवलदार जी देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद कहां भी दूर छोड़ गए हमको सबरी सो बात बता रे बाबा तुमको और कहा हेरे सार बाबा अरे बाबा आप यहां पधारे हो और आप ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हो इसलिए आपसे केवल हमारा एक ही निवेदन है और वो निवेदन क्या है सुनिए सारे बाबा सारे बाबा सारे बाबा जीवन को समझा दे मोकू सार सारे बाबा जीवन को समझा दे हम कुसार और सारे बताया ब्यास फिर बोलो बानी है रे ब्यास फिर बोलो बानी है अरे ब्यास फिर बोलो बानी है कहा अब सब धीरज अब सब धीरज धरो सुनी त्यारी सकल कहानी है ओ महाभारत यह है लइए रे महाभारत यह है लइए और क्यों भयो कुटम को भयो कुटम को नाश सीख जी सब तू दे दई और मंच पे ना फैले दूरो रे मंच पे ना फैले दूरो मनुष्य जैसे कि आपने फिल्मी दुनिया में जो फिल्म बनाई जाती है उसमें एक पात्र एक रोल निभाता है उसी प्रकार ये संसार में मनुष्य अपना रोल निभाने के लिए आता है कहा है मंच पे ना फैले कूड़ो जो निभाए गए किरदार काम वो कर गए हैं पूरो इसलिए विदुर ने पाठ निभाई दियो रे विदुर ने पाठ निभाई दियो सुन ले भगवान तेरे पैया ने दिया व्यासी सबको समझा रहे हैं लेकिन अंत में उड़ान आ रही है और उड़ान में क्या कहा सुनिएगा
सो भैया कहें ब्यास जी यूपी राजस्थान हरियाणा ना जाने कहां कहां तक लोग जो कि यूट्यूब पर जहां तक वीडियो सुनते हैं वहां के लोग भी तारीफ करते हैं, धन्य है आपके लिए। कहा जो भी इस गजल का पहला शेर गौर फरमाइएगा, सुनिए। लकड़ी अपने अपने भी वहां आग है, पड़ोसी भी वहां